आपके लिए एक बार फिर लेकर आई हूँ ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला। सरपंच की सरपंचगिरी से परेशान होकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को की शिकायत। वह सरपंच को हटाने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मामला बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत बावा मोहत्रा का है, जहां सरपंच व सचिव की भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ये मामला यहां भी शांत नहीं होता है, जहां सरपंच व सचिव को बचाव पक्ष भी मजबूत है। मजबूत होने के कारण उन्हें ग्रामीणों ने जनपद के कुछ बचाव अधिकारियों के रवैये से नाराज होकर जनपद पंचायत के समक्ष 11 जनवरी को धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की मांग करते हुए 25 अलग अलग मामले की निष्पक्ष जांच कराने व ग्रामीण वासियों को न्याय दिलाने की मांग। हम आपको बता दें कि शिकायत में एक ही ग्राम पंचायत से 25 मामले की जानकारी आने के बावजूद सरपंच व सचिव पर कोई कार्रवाई नहीं। सरपंच व सचिव के भ्रष्टाचार व तानाशाही से परेशान ग्रामवासियों ने कलेक्टर को दी शिकायत। इतना ही नहीं, कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके ग्रामवासी, शिकायत का पहाड़ खड़ा हो चुका है ग्राम पंचायत में, लेकिन शासन से ग्रामीणों को कोई भी कार्रवाई नहीं मिल पा रही है और ना ही मिल रहा है न्याय। ऐसे में क्या करेंगे ग्रामवासी? शिकायतों की शुरुआत ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन से करते हैं। मामला ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण का है, जहां सरपंच ने शौचालय निर्माण करवाकर लागत राशि का हरण कर ली, किंतु आज तक हितग्राहियों को भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार मनरेगा के अंतर्गत सरपंच ने जनपद पंचायत से पैसे उठा लिया है, परंतु ग्रामीणों को अभी तक कोई भी मजदूरी नहीं मिली है। सरपंच द्वारा आंगनबाड़ी निर्माण के लिए राशि 4 लाख रुपये उठा लिया है, पर कोई काम नहीं हुआ है। 2013-14 में 63 शौचालय निर्माण मनरेगा के तहत होना था, लेकिन 3-4 शौचालय बनाकर पूरा पैसा डकार गए हैं। जब ग्रामीणों ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी जनपद से मांगी तो सरपंच ने अनन फनन करते हुए 2017 में बनाकर उसे 2013-14 के शौचालय अंकित कर दिया है। इस प्रकार प्रशासन से भी धोखाधड़ी किया जा रहा है, जो कानूनी अपराध है। ग्राम पंचायत में पिछले सत्र 2017 से एक भी सभा व आम सभा का आयोजन नहीं किया गया है। मनमानी तरीके से सरपंच जी फैसले स्वयं लेकर ग्रामीणों व पंचगणों के मौलिक अधिकार का हनन किए जा रहे हैं। यह पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध है। वह शासन के आदेशों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ग्राम पंचायत की शिकायतों का पहाड़ इतना ही नहीं, पिछले 7 महीने पहले भी इनकी शिकायत की गई थी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर विनायक शर्मा व नायब तहसीलदार केशव पटेल व पंचायत इंस्पेक्टर ने आकर जांच किया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सरपंच के अवैध कार्यों का अगर गिनती करने बैठ जाएं तो आप भी परेशान हो जाएंगे। सरपंच द्वारा अवैध मुरम उत्खनन कर स्वयं की हाइबा से बेचकर शासन को लाखों रुपए की रॉयल्टी का चूना लगाकर राजस्व कर खुलेआम चोरी की जाती है। ऐसे मामले पर शासन व प्रशासन की मिलीभगत होने के कारण मामले को दबा दिया जाता है, अतः प्रशासनिक अधिकारियों से जनता क्या उम्मीद रखेगी? ऐसे मामले को तुरंत संज्ञान में लिया जाना चाहिए। यहाँ का प्रतिनिधि हूँ मैं। सरपंच के खिलाफ हम लोग शिकायत किए हैं, कई अनियमितता पाया गया है उसके सरपंच के खिलाफ, और इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM सब जाँच में गए थे, गलती पाया गया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किए गए। तो आप लोग जब कार्रवाई के लिए मांग किए, जब आपने कार्रवाई के लिए जाके अधिकारी को बताया तो उनका जवाब क्या था, क्या बोल रहे हैं वो? जो बोलता है जांच करके हम बताएंगे, ऐसे बोलता है कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं। कितना महीना हो गया है? एक साल में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कम से कम कितना खनिज का यहाँ पर कितना का वो किया गया है, करीब करीब कितना किया गया? 1 करोड़ का किया गया। इसमें अधिकारियों की मिली भगत है? क्या जवाब में आप लोगों को उन लोग स्पष्टीकरण कर रहे हैं? ग्राम बावा मोहत्रा की निवासी हूँ मैं, क्योंकि धारा 40 में केस चल रहा है। सरपंच के पास खनन हुआ गया है मुरुम का, जांच में पाया गया है शुक्ला शर्मा, और अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुआ गया है उसमें। मतलब बहुत सारा खांगी है, नरेगा तहत है, शौचालय है, तालाब का पचरीकरण है, उचित कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं हुआ गया है। आपने माइनिंग विभाग से इसकी जानकारी मांगी? हाँ, तो मैं गया था जांच में, बस बोल दिया है, अभी तक कोई कागज नहीं दिया गया है। जांच में क्या पाया गया? जांच में खनन पाया गया है, इनो खदान को दिखाया हूँ मैं। जांच अधिकारी कौन था? डिप्टी
खनिज विभाग से कोई साहू मैडम गया था और ये अपन गया था सुभाष शुक्ला गया था तहसीलदार नया तहसीलदार को सेम जांच में उसी को दिया गया था तो जांच करके आ चुका है अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक ही नहीं हुआ है। आप क्या चाहते हैं उसके लिए? उसके लिए हमारा कार्रवाई का मांग है उसमें धारा 40 का मांग है। बहुत सारा कम से कम करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है पूरा कागजात सबूत के साथ में। क्या क्या आपने अभी तक कहाँ कहाँ शिकायत की है आपने? अभी शौचालय का किए हैं और मार्ग के तहत भुगतान पैसा मजदूरी भुगतान का है और आंगनबाड़ी के लिए है। आंगनबाड़ी का 4 लाख रुपये पैसे निकाल के खा चुका है दूसरा खाता से निकाला है। कौन खाया? सरपंच। कौन सरपंच? मोहन साहू। कहाँ का सरपंच? बाबा मोहतरा का। तो आप लोगों ने जब आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि आप लोगों को जब पता चल गया इसके बारे में कि इसने पैसे निकाले हुए हैं तो आपने माइनिंग विभाग के अधिकारी से कोई बातचीत की इसके बारे में? कई बार हो गया है। कोई अधिकारी हो ही जे नहीं बचे हुई बात हर अधिकारी में पूरा अधिकारी से बात हो गए है लेकिन अधिकारी जांच करके आते होकर बात सटल हो जाते। आप लोग क्या चाहते हैं यानी कि क्या कार्रवाई जा रहे हैं? हम लोग कार्रवाई धारा के तहत में उसको बर्खास्त का मांग है। धरना प्रदर्शन भी किया था अपन एक बार तो एक भी अगर टूटी पाया जाएगा तो तहसीलदार एसडीएम बोला है एक भी कार्रवाई टूटी पाया जाएगा। कौन एसडीएम? कश्यप सर है तो अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ गया है हमको वही धारा 40 का तो मैं एक दो बर्खास्त करूँगा।